मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास लेसन नंबर 3, साइंस में धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बच्चों, ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में, धातु और अधातुओं के बारे में आपको जो है सभी पॉइंट्स को क्लियर करवा दिया गया था। चाहे उसमें धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण हैं या धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, इन सभी पर आपको जो है लेसन के अंदर जो भी पॉइंट थे उन पर चर्चा की गई थी। एक्स्ट्रा जो पॉइंट इसमें थे, चाहे वो संक्षारण से संबंधित है, जंग से संबंधित है, या बच्चों किसी और धातुओं के निष्कर्षण के बारे में, परिष्करण के बारे में, शुद्धता और प्रोडक्शन के बारे में, सभी कुछ पर जो है हम कल तक चर्चा कर चुके थे। अब आज इसका जो एक्सरसाइज हैं और या इस लेसन की जो समरी है जिसको हम कहते हैं, आपने क्या सीखा, अर्थात इस लेसन का एक बार शॉर्ट रूप से रिवीजन हो जाता है। आपने क्या सीखा है, पूरे लेसन की समरी है, तो एक बार हम इस पर भी फिर चर्चा कर लेते हैं। और बच्चों, एक बात का विशेष ध्यान रखिए, ये मैं जो समरी और एक्सरसाइज आपको भेज रहा हूँ, ये इसलिए भेज रहा हूँ जिससे आप अपनी बुक से मिलान कर लें कि भी स्कूल में या मेरे द्वारा जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो वही बुक है या कोई एक्स्ट्रा बुक तो नहीं है, जिससे आपको क्वेश्चन ढूंढने में या उसको हेल्पिंग बुक आपके पास होंगी, क्वेश्चन वगैरह ढूंढने में आपको आसानी रहेगी। इसलिए मैंने जो बीच के क्वेश्चन हैं लेसन के, जो बीच में क्वेश्चन आते हैं, उनको भी वीडियो में क्लियर भेजा है। और अब जो अभ्यास की एक्सरसाइज हैं या लेसन के जो क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको इस समरी के बाद में बताऊंगा। तो इस लेसन में हमने क्या स्टडी की है, ये थोड़ा सा इसमें और जल्दी से एक बार रिवाइज कर दिया जाएगा। नंबर एक है, धातुओं अधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो पदार्थ हम जिन पदार्थों का जिन तत्वों का हम अध्ययन करते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो वो धातु होते हैं या अधातु होते हैं, या तो वो मेटल होते हैं या बच्चों नॉन मेटल होते हैं। ये हमने अध्ययन किया। धातुएं तन आघातवर्धनीय, जो मैंने अभी बताया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अर्थात भौतिक गुण कैसी होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं, आघातवर्धनीय तो होती हैं, चमकीली सतह होती है, विद्युत की सुचालक होती हैं, धातु कमरे के ताप पर ठोस हो जाती हैं, कमरे के ताप पर द्रव हो जाती हैं, ये भी धातुओं की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं क्योंकि यह धातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। धातुओं गुण है कि इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और अपने आप जो है धन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्साइड बनाती हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड व जिंक ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड और अम्लीय ऑक्साइड धातुओं के गुणधर्म प्रदर्शित करती हैं। चाहे तो जो है ऑक्साइड क्षारीय होते हैं बच्चों या अम्लीय होते हैं। तनु अम्लों के साथ, जल एवं तनु अम्लों के साथ धातुओं की अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। जिस तरीके का तनु होता है, एसिड होता है, उसी तरीके की उसकी अभिक्रिया होती है। अर्थात हर प्रकार के एसिड से अभिक्रिया करती हैं, किंतु उसकी प्रकृति सभी की अलग अलग होती है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित धातुओं की सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अर्थात कुछ कम अभिक्रियाशील होती हैं, कुछ उससे ज़्यादा होती हैं, कुछ सबसे ज़्यादा होती हैं, तो इसको हम इस क्रम में, इस तरीके के क्रम में भी धातुओं को व्यवस्थित किया जाता है। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं। जो सक्रियता श्रेणी की धातुएं हैं, जैसे NaMg इत्यादि जो हैं, सोडियम जिंक इत्यादि जो धातुएं हैं, वो एसिड से भी, तनु अम्लों से भी हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती है। प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में या उनके यौगिक के रूप में पाई जाती हैं, बाद में परिष्करण के कारण या निष्कर्षण के कारण उनको शुद्ध किया जाता है। अयस्क में धातुओं का निष्कर्षण परिष्करण दोनों, ये नंबर हो गए हैं ऊपर और नीचे। प्रकृति में धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, यौगिक के रूप में पाई जाती हैं, अयस्क के रूप में पाई जाती हैं, जिससे उनका निष्कर्षण तथा उनका परिष्करण एक प्रोसेस के अंतर्गत जो है किया जाता है।
दो या दो से अधिक धातुएं एक धातु या अधातु के समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। धातु और अधातु भी जब संपर्क में आते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, जिनको हम मिक्स धातु कहते हैं। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क रहने पर लोहा जैसे कुछ धातु के धातु की सतह संक्षारित हो जाती है। इसमें आपको बच्चों बताया गया था कि किसी भी पदार्थ पर जब वो लंबे समय तक किसी वायु या नमी के स्थान पर रखी रहेगी तो वो संक्षारित हो जाती है, अर्थात जंग इत्यादि उसके ऊपर लग जाती है। अधातुओं के गुणधर्म धातुओं के विपरीत होते हैं, यह न तो आघातवर्जन होता है न ही तन्य होते हैं। आप जानते हैं कि तत्व दो प्रकार के होते हैं, या तो धातु होते हैं या अधातु। जो गुण धातुओं में पाए जाते हैं वो अधातुओं में नहीं पाए जाते, अर्थात जो गुण धातुओं के होते हैं वो अधातुओं में कभी नहीं हो सकते, और विपरीत होते हैं। विद्युत की कुचालक होती है, आघातवर्जनता का गुण नहीं पाया जाता, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। इस तरीके से ये जो है ऋणात्मक तत्व भी धन विभव पर इकट्ठा न होकर ऋण आवेशित आयन बनाती हैं। अधातुएं जो है ऋण आवेशित आयन बनाती हैं, जबकि धातुएं धन आवेशित आयन बनाती हैं। अधातुएं ऑक्साइड बनाती हैं, अम्लीय या उदासीन होते हैं। अधातुएं भी तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्राइड बनाती हैं। जैसे धातुओं में तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके बच्चों हाइड्रोजन को विस्थापित किया जाता है, किंतु ये अधातुएं तनु एसिड के साथ तनु अम्लों से जो अभिक्रिया करती हैं तो वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती, बल्कि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करती हैं। ये सभी पॉइंट्स पर हम विस्तृत रूप से चर्चा लेसन में कर चुके हैं, तो एक बार आपको फिर रिवाइज करवा दिया गया कि हमने इसमें कौन सी पॉइंट पर स्टडी की है। अब ये सभी क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन बच्चों 1, 2, 3, 4 ये सभी विकल्पीय बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं, जिनको मल्टीपल चॉइस कहा जाता है। इसमें एक एक क्वेश्चन के चार चार ऑप्शंस होते हैं, जो आपको सही लगता है उसको आप जो है उस पर निशान लगाते हैं, राइट का निशान लगाते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो ये चारों क्वेश्चन हैं 1, 2, 4 इनको आप अपना करेंगे हेल्पिंग बुक की सहायता से करें या अपनी बुक से करें। आपको एक हथौड़ा बैटरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक हथौड़ा बैटरी बल्ब तार एम स्विच दिया जाता है, इनका उपयोग करके धातुएं या धातु के नमूनों के बीच आप विभेद कर सकते हैं। इससे आप जो है प्रत्येक पदार्थ को धातु या अधातु में उनको विभक्त किया जा सकता है आसानी से, क्योंकि आपने धातुओं के गुणों को भी और अधातुओं के गुणों की भी का भी अध्ययन कर लिया है। उभयधर्मी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए, ये भी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। जो धातुओं के नाम दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती, अर्थात दो धातुओं का नाम बताना और दो अधातुओं का नाम बताना है। धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं बच्चों, और अधातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती बल्कि वो हाइड्राइड बनाती हैं, ये भी आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किसी धातु एम के विद्युत अपघटन परिष्करण में आप एनोड कैथोड विद्युत अपघटे किसे बनाएंगे, तो ये क्वेश्चन है, इसे को भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 भी 9 ये सभी करने। क्वेश्चन नंबर 10, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए, क्योंकि लोहे को अगर नमी में रख दिया जाता है तो बच्चों को संक्षारित हो जाती है वस्तु और उस पर जंग सा भी लग जाता है, तो उनको हम कैसे बचाएं, जंग से लगने से कैसे बचाएं। कोई भी दो तरीके बड़े आसान से हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। हमें प्रत्येक धातु को या लोहे की बनी वस्तुओं को ऐसे स्थानों पर रखना चाहिए जहाँ पर नमी ना हो या पानी का संपर्क ना हो। इन सभी चीज़ों से अगर हम उसको दूर रखेंगे और उस पर केरोसिन वगैरह लगा करके रखेंगे तो आप कह सकते हैं कि फिर लोहे पर जंग नहीं आ सकता। इस तरीके से हम लोहे से बनी वस्तुओं की सुरक्षा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करना है आपको, 12 कारण बताइए, प्लेटिनम सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। आप आसान सा क्वेश्चन है बता सकते हैं, क्योंकि इनकी सतह है वो चमकदार होती है, और चमकदार होने के कारण सोना चांदी और प्लेटिनम के आभूषण बनाए जाते हैं, और उसमें आघात वर्जनता का बहुत ताकतवर गुण पाया जाता है, जिससे ये पतले से पतले तार में या पतली से पतली चादर में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह हमें ये कारण बताने कि इनका उपयोग ही हम आभूषण बनाने में क्यों कर सकते हैं।
फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार हैं, चारों का कारण बताने। बच्चों एक बात को आप इसे ध्यान दें, आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ते हो, इनमें कोई क्वेश्चन भी आपका नहीं छोड़ा जाएगा, और हेल्पिंग बुक से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके याद कराए जाएंगे, और बुक में तो कोई क्वेश्चन आपका छोड़ना ही है, इसलिए सभी क्वेश्चन इसके करने जरूरी होते हैं। कारण बताइए, ये तो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, अपने आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा, यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है। खट्टे पदार्थ इसलिए प्रभावी है कि तांबे के ऊपर एक परत सी जम जाती है नमी के कारण, उस परत को छुटाने के लिए, नमी की परत को छुटाने के लिए, संक्षारण को छुटाने के लिए हम, और बर्तन को साफ रखने के लिए खट्टे पदार्थ जैसे नींबू, इमली इत्यादि का प्रयोग उसकी सफाई में करते हैं, जिससे वो जो पतली सी चादर उस पर चढ़ गई या नमी के कारण वो समाप्त हो जाए। रासायनिक गुण, नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक गुणधर्म का आधार पर धातुओं और अधातुओं में भेद कीजिए। बच्चों ये आप पढ़ चुके हैं, धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण, तो इस एक क्वेश्चन आपको हेल्पिंग बुक से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बन कर जाता है, पुराने और मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाता है, कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, ये एक ऐसे प्रोजेक्ट टाइप क्वेश्चन है, और ये कई बार लोगों के सामने एक परेशानी हो जाती है, कई बार जो है लोग घरों के अंदर घुस जाते हैं सोने चांदी की चीज़ साफ करने के बहाने, और उस चीज़ को फिर जो है अपने आप ही उसको ले जाते हैं, किस प्रकार ले जाते हैं, कैसे ले जाते हैं, ये सभी आप जो है इसमें आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है परंतु लोहे की मिश्र धातु का नहीं, इस्पात का नहीं, इसका कारण बताइए। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है, तो जब आप इसमें हेल्पिंग बुक में देखेंगे या बुक में देखें आपको जानकारी हो जाएगी कि हम तांबे का प्रयोग तो क्यों करते हैं और लोहे का प्रयोग क्यों नहीं करते, जिससे वो वस्तु हमारी, वो टैंक सुरक्षित रहे, और क्योंकि तांबे पर जंग ज़्यादा लगता है और लोहे तांबे पर जंग कम लगता है बच्चों, और लोहे पर अधिक लगता है, इसलिए हम ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए तांबे का प्रयोग करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से आपके पास भेजे जा रहे हैं, एक बार आप फिर देख लें और अपनी बुक से इन क्वेश्चनों का मिलान कर लें। क्वेश्चनों का मिलान करने के बाद आप ये सुनिश्चित कर लें कि लेसन नंबर 1 से 3 तक सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं, आपकी बुक में हैं या नहीं हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन नहीं मिलता, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखें या पर्सनल नंबर पर फ़ोन करके आप उसका जो है जानकारी कर सकते हैं, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं है तो आपके आज लेसन नंबर 1, 2, 3 अर्थात साइंस में 10th क्लास में 3 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे इनको कैसे तैयार करना है, कैसे इनको याद करना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में सभी को डिटेल में बताऊँगा। थैंक यू।